हेलो एवरीवन, एक और परमानेंट सरकारी नौकरी की बात करने वाले हैं। शिक्षक भर्ती जो कि लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाली गई है, 10 सब्जेक्ट की वैकेंसी आई है। यहाँ पर बीएड जो है वो बिल्कुल कंपलसरी है, बीएड चाहिए। पे स्केल जो है यहाँ पर लेवल 12 के अकॉर्डिंग दी जाएगी। 43,000 से लेकर 1,36,000 तक आप लोगों को सैलरी मिलेगी। तो सब्जेक्ट जो है वो सबसे पहले हम देखेंगे और कहाँ से जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है, एज, योग्यता, बाकी सारी चीजें नोटिफिकेशन में चेक करें। तो यहाँ पर सबसे पहले एडवर्टीजमेंट में सब्जेक्ट आप देख लें। यहाँ पर जो वैकेंसी आई है वो लेक्चरार, स्कूल लेक्चरार की है, और सब्जेक्ट जो रहेंगे कॉमर्स की है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, ये सभी जो है सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है वो बिल्कुल एक एक जो सब्जेक्ट है उसकी जो है क्वालिफिकेशन, पे स्केल, एज, योग्यता, सारी चीजें जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो इनमें से एक जो है वो हम देख लेते हैं जो कि सभी जो सब्जेक्ट है उन पर लागू होगा। तो वैकेंसी जो निकाली गई है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आई है, 17 अक्टूबर 2023 को। केवल हिस्ट्री की अगर हम बात करें, क्योंकि हमने अभी एडवर्टीजमेंट जो ओपन किया है वो हिस्ट्री का है, 115 पोस्ट जो है यहाँ पर स्कूल लेक्चरर हिस्ट्री विषय के लिए निकाली गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट का जो नाम है डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन, लेक्चरर की पोस्ट है, 115 पोस्ट हैं यहाँ पर, और कैटेगरी वाइज जो है नंबर ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पर दिए गए हैं। पे स्केल आप देख सकते हैं लेवल 12 के अकॉर्डिंग मिलेगा। यहाँ पर पे स्केल जो है काफी अच्छा रहने वाला है, 43,000 से लेकर 1,36,000 तक आप लोगों को मिलेगा। एज की अगर हम बात करें तो एज जो है वो 18 से लेकर 45 साल तक जो है वो एज यहाँ पर रखी गई है, और बाकी जो कैटेगरी है जिनको छूट मिलती है तो उनको 5 साल की छूट मिल रही है, SC ST, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, और PWBD को। अब क्वालिफिकेशन जो है वो चेक कर लें। किसी भी जो है पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है मास्टर डिग्री, ठीक है। जैसे हिस्ट्री के अगर आप फिल करना चाहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, तो हिस्ट्री में मास्टर डिग्री चाहिए और साथ में जो है वो बीएड कंपलसरी है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है आप लोगों की एक जो है एग्जामिनेशन फीस लगेगी। जनरल कैटेगरी की जो फीस है वो 400 रुपीज़ है। उसके बाद जो मेल कैंडिडेट हैं SC ST OBC और EWS हिमाचल प्रदेश के, तो उनकी जो है वो मात्र 100 रुपये है, ठीक है। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं, तो किसी भी कैटेगरी के हों, तो उनको 400 रुपीज़ जो है वो पे करना होगा। उसके बाद एक्स सर्विसमैन मेल कैंडिडेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो इनकी कोई भी फीस यहाँ पर नहीं ली जाएगी। तो सिलेक्शन जो है यहाँ पर एग्जाम होगा, और जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दो रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो आपका हो सकता है। 100 मार्क्स का होगा, जिसमें GK पूछा जाएगा हिमाचल प्रदेश का, 30 मार्क्स का। उसके बाद जो है GK पूछा जाएगा नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, उसके बाद हिंदी भाषा के जो है 20 और इंग्लिश भाषा के 20 मार्क्स जो है यहाँ पर पूछे जाएंगे। यहाँ लिखा है दिस पेपर विल बी क्वालिफाइंग पेपर ओनली एंड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 35% मार्क्स इन दिस पेपर। तो यहाँ पर जो 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, तो 35% जो है वो आप लोगों को पासिंग मार्क्स चाहिए। पेपर 2 जो होगा, जो कि सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जैसे आप हिस्ट्री के लिए जो है फिल करते हैं, तो 100 मार्क्स का जो है आपसे हिस्ट्री से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अंतिम बात जो कि आपको पता होनी चाहिए अगर आप यहाँ पर फॉर्म डालना चाहते हैं, कि क्लोजिंग डेट जो है वो एप्लीकेशन की रहेगी 13 नवंबर 2023, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट जो है वो चेक करने के लिए इसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, ताकि यही पेज जो है वो आपके सामने ओपन हो और आप डायरेक्ट जो है वो अपना सब्जेक्ट देखें और इसे ओपन करें। एडवर्टीजमेंट जो है आपके सामने होगी, सारी चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से जो है पढ़िएगा। मेन जो चीज़ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए जो आपको पता होनी चाहिए वो मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। तो चलिए, ऐसी ही वैकेंसी यदि आती है आपके राज्य की, तो बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी और जल्द से जल्द जो है वो आप लोगों की जॉब लगे, यही मेरा उद्देश्य है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।